पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सर्वाइवर बक्सोर अपने जान पे खेलकर 2 दिन तक घनी जंगलों में सर्वाइव करके अपने जान बचा के जिंदा बाहर आया था। जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे दूसरा बक्सोर 2 दिन तक सर्वाइव करके जिंदा बाहर आता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। ओ भाई, मेरा भाई पसंदी उतर चुका है, अब मुझे भी उतरना होगा और वीडियो देखना बहुत मजा आएगा भाई। लोग और भाई लोग देख सकते हो, मेरा भाई पसंदी पश्चिम दिशा की ओर चला गया है और मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ। आइए कैमरा मैन, और मैं हथियार ले लेता हूँ, कहीं आगे जानवर जुनवर होंगे आगे। कैमरा मैन देख सकते हो, ये डायनासोर का अंडा, लगता है मुझे यहाँ कहीं डायनासोर होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आइए कैमरा मैन, बहुत थक चुका हूँ यार भाई, 2 दिन से चल रहा हूँ इस जंगल में, घने जंगल में। पता नहीं मेरी बंदी भी मुझे याद कर रही होगी। अब मुझे बहुत बड़ा पहाड़ भी करना है, देख सकते हो बहुत बड़ा पहाड़ है भाई, बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ है ये, सच मान लेना गूगल गूगल। और देखिए भाई लोग, हम अब आगे कैसे सर्वाइव करते हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए अपना जान माल सब इस जंगल में लगाना होगा। देख सकते हो भाई लोग, बहुत ही घना जंगल है, बहुत झाड़ियाँ हैं, हमें रुक के जाना होगा। और देखिए बहुत ज़्यादा जंगल है, बचत से जाना होगा, पेड़ चूट गिरे हुए हैं, लगता है यहाँ पे हाथी भी होगा। देख लीजिए सारा पेड़ गिरा दिया है हाथी ने, बहुत ही खतरा है भाई, बहुत ही खतरा है इस जंगल में। और भाई लोग बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, देख सकते हो ना मेरे पास पानी है ना खाना है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, फिर भी मुझे मूड आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। लगता है मुझे अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का हो जाता हूँ। अबे भोसड़ी के, तुझे ये भी दिखाना है क्या? काट दियो इसको यार, काट दियो। और भाई लोग मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो देख लीजिए बटरफ्लाई उड़ रहा है, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, अब मैं इसको खाने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए। चलो कैमरा मैन कम ऑन, कहाँ गया? अरे वो तरीका कहाँ गया? अरे भाई लोग देख सकते हो, खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैं ये कीड़ा ही खा लूंगा, देख लीजिए कहाँ गया, ये देख लीजिए कीड़ा ही खा लूंगा मैं, ये देख लीजिए भाई कीड़ा ही। और ये मेरा पेट पूजा हो चुका है, अब मैं आगे क्यों बढ़ूंगा, इसे एक जंगल के बड़े बड़ों की गांठ फट जाती है, मैं तो फिर भी छोटा ही हूँ भाई लोग, फिर भी देखो मेरी हिम्मत, देखो आप लोग, ये बहुत बड़ा खतरनाक चिड़ाई हूँ। आगे कहना मैं कमान, अरे भोसड़ी के साथ साथ चलाना है, और ये देखिए भाई लोग बहुत ही खतरनाक जंगल, देख सकते हो और मुसीबतों की देख आ रहा हूँ। और भाई लोग देख लीजिए, ये क्या है देखो ध्यान से, अबे ओ बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है भाई लोग, ये देखिए लगता है मुझे धरती फटने वाला है, भागना पड़ेगा अभी हमें यहाँ से, नहीं तो मेरी गांठ भी फट सकती है इसके साथ। चलो भाई कैमरा मैन कम ऑन, जल्दी जल्दी आओ, बहुत से जंगली जानवर है यहाँ पे, वो मेरी तो क्या किसी भी गांठ फाट सकते हैं, इसलिए हम दोनों को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा इस जंगल से। यदि इस समय ऐसे शेर दिखे तो आपको धीरे 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 साइड से निकलना है, उसे देखना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है, धीरे धीरे निकलना और बाहर जाना है, ऐसे जब तक दूर अभी दूर बहुत दूर भागना है, धीरे धीरे शेर की सोच में रहें तो कैसे बंदे से पाला पड़ गया, बहुत ज़्यादा हट चुका है, आगे पीछे कुछ भी बोलो सब फट चुका है। अब लगता है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, पूरा देख लीजिए सुन लीजिए हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है, ध्यान से सुने ध्यान से, हाँ मेरा भाई पसंदी निकल गया शायद जंगल से, मैं पता नहीं यहाँ अभी क्या गान बजा रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है, जंगल की चीज़ें पता नहीं जंगल में क्या करो, वो दूर 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 हेलीकॉप्टर दिख रहा है वो दूर, अब मुझे लगता है यहाँ से जल्दी निकला कैमरा मैन, अभी जल्दी आया कर चुकी है तो मरवा देगा
सावधानी को लगाया करो। मुझे मेरे बुट्टे ने बोले तो फादर में बुट्टे ने रुकना नहीं सिखाया, मतलब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब पूछो मत, कितना आगे बढ़ चुका हूँ। अब लगता है मुझे बात क्यों निकलना होगा टाइम से, क्या पता शाम यही हो जाए। यहाँ पे बहुत से जंगली जीव है, कहीं मुझे खा जाएंगे। तो अब धीरे धीरे हम बाहर की ओर, ये देख लीजिए भाई पूरा मैदान आ गया है, हम जंगल से बाहर की ओर, जंगल से बाहर की ओर आ चुकी है। देख लीजिए बहुत अच्छा नज़ारा है, ऐसे लगता है जैसे बैंसू जिंदगी का सुकून मिल गया। मैं तो बैंसू यहीं लेट जाऊँ अभी बैंसू, लेकिन नहीं, अभी मुझे वापस भी जाना है। हेलीकॉप्टर मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो दूध देने के लिए मेरा भाई रुका हुआ है, वो नदी के किनारे से गया होगा, क्योंकि हम सब वो रास्ते वही बनती है। आगे जंगल हिल रहा है, वो जंगल हिल रहा है। बंटी आ रहा है, आ रहा है बंटी, जल्दी से आ जाओ। वो रहा मेरे भाई, मैं खुश हो गया बंटी को देख के। 2 दिन तक हमने सरवाइव किया है अलग अलग, अभी वो भी टाइम पे आ गया हुआ है। वो रहा मेरे भाई, बंटी आ गया है। ये तो वही पानी था जो मैंने भी पिया था भाई। तो मैं आपको पूछना यार, बहुत ज्यादा बंटी भाई, मैं आपको पूछना चाहूंगा, 2 दिन आपका कैसे बीता जंगल में, कैसे जंगल है क्या बताना चाहोगे आप? बहुत घना जंगल है भाई। दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि कितना भयंकर है, क्या यहाँ पे सरवाइव करना आसान है? अरे नहीं, मैन वसी वाइट भी आ जाएगा ना, वो भी गुम हो जाएगा, उसकी भी फट जाएगी जंगल में, तो कसम से। कितना भयंकर जंगल है ये? बहुत भयंकर है भाई, बहुत। अब मैं नहीं आऊंगा लाइफ में ऐसी जंगल में। क्या क्या मुश्किलों के सामना करना पड़ा आपको? मुझे ना खाना मिला, मैंने तितली मार के खा लिया, मुझे क्या बोलते पानी नहीं मिला, मैंने अपने पेशाब पी लिया कुछ ऐसा है। हादसा मेरे साथ भी हुआ है। हेलीकॉप्टर वाला कहाँ गया? हेलीकॉप्टर ऊपर ही, ऊपर देखो ऊपर, वो भोसड़ी के फेंक दे नीचे। नहाना है ना, तो अब चल लेते हैं भोसड़ी के, वो फेंक ले।